फिर से देख सकते हैं किस तरह से एरर आया। ठीक है, आज मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, अभी जो स्टोरी लगाया तो यहाँ देख सकते हैं स्टोरी मेरा लग गया। ठीक है, सो हेलो दोस्तों, आपको एक नई वीडियो में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण प्रताप और आप सभी को स्वागत करता हूँ करण प्रताप टिप्स यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी फेसबुक स्टोरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर स्टोरी आपकी फेसबुक पे नहीं लग रही है तो किस वजह से नहीं लग रहा है, तो आज मैं इसका फुल प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। आज मैं इस वीडियो में स्टोरी में भी लगा के दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी सवाल है तो इस वीडियो में डाल सकते हैं, मैं आप सबका रिप्लाई देने का प्रयास करता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपकी स्टोरी जो बहुत मतलब हो गया, दो चार महीने, चार पाँच महीने हो गया आपका स्टोरी नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, स्टोरी अगर आपको इस तरह से नहीं लगता है तो किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो का स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटे उसे भी प्रेस कर लीजिए, जैसे आप तक लेटेस्ट वीडियो पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं मैं फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आज लाइव वीडियो बना रहा हूँ तो मैं देख लेता हूँ, मैं फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। देखिए, मैं फेसबुक ओपन कर लिया और उसके बाद अपना क्या करना है, ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, तो देखिए यहाँ से मैं एक स्टोरी यहाँ पे चूज करता हूँ। देखिए, यहाँ पे स्टोरी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो मैं स्टोरी पे क्लिक किया हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं मैं स्टोरी एक कोई सा ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। ठीक है, अपना फ़ोटो ले लेता हूँ। जैसे मैं एक फ़ोटो ले लिया और मैं यहाँ से स्टिकर पर क्लिक करके और यहाँ से अपना जाना, यहाँ से म्यूजिक देख सकते हैं, म्यूजिक तो म्यूजिक में ले लेता हूँ। ठीक है, तो कोई सा एक जो लेटेस्ट चल रहा है तो ले लेता हूँ। ठीक है, स्टोरी सो फ्रेंड्स, मैंने स्टोरी ले लिया और देखिए यहाँ से अपलोड होना शुरू हो गया। ठीक है, तो देख सकते हैं स्टोरी अपलोड हो रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे क्या एरर आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं स्टोरी अपलोड करता हूँ तो मुझे देख सकते हैं यहाँ पे क्या इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो मैं आप सब दिखा रहा हूँ लाइव। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं किस तरह से आपके एरर आ चुका। ठीक है, तो आपको भी इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स देख सकते हैं किस तरह से एरर आया। ठीक है, आज मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको इस स्टोरी को आपको यहाँ से रिमूव कर देना। जैसे यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको यहाँ से बहुत बार यहाँ से ऑप्शन जो से ट्रैक कर चुके हैं लेकिन यहाँ से आपको कहीं सही नहीं हो रहा। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से ऑप्शन आप बहुत सारे ट्रैक किए होंगे तो आप यहाँ से सही नहीं हो रहा। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से स्टोरी को पहले डिलीट कर देना। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं डिलीट, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और आपको अगला प्रोसेस क्या करना है, तो मैं चलिए यहाँ से बैक आ जाता हूँ। ठीक है, आप सबको बैक आ जाना है, उसके बाद यहाँ से क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद अपना इसमें फेसबुक आईडी पहले लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, तो फेसबुक आईडी जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, तो देखिए मैं लॉगिन कर रखा था पहले से, तो देख सकते हैं फेसबुक आईडी मेरा लॉगिन है। और अपना यहाँ से न्यू अकाउंट पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो इसको आपको क्लिक कर लेना। ठीक है, तो अपना लॉगिन करके पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए, तो आपके इस तरह में लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहला प्रोसेस क्या करना है, जो अभी जो एरर आ रहा था उसका आपको एक स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट उसका एक ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं थ्री डॉट का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा आपको नीचे आ जाना है। तो नीचे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं, तो फिर यहाँ से आप सब देख सकते हैं थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। तो नीचे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ से इंग्लिश में आपको रहेगा। ठीक है, यहाँ से रहेगा रिपोर्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ इसको समस्या की रिपोर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ से इंग्लिश में रहेगा, इसको आपको क्लिक कर लेना। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ से इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना। तो यहाँ से हिंदी में आ गया, तो हिंदी कर रखा था। ठीक है, इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद थोड़ा सा ये देखिए यहाँ से लिखा होगा, आपको इंग्लिश में लिखा होगा यहाँ पे स्टेटस माय अपलोडिंग नॉट अपलोडिंग। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन होगा आपको इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अभी जो स्क्रीन शॉट आप जो लिए हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं चूज फाइल। ठीक है, तो इसको क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद अभी जो स्क्रीनशॉट लिए है तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो मैं स्क्रीनशॉट जो लिया हूँ मैं ले लेता हूँ। देखिए ये स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो अभी लिया था जस्ट में, तो उसको ले लेना है। ठीक है, लेने के बाद यहाँ उसमें क्या लिखना है, मैं चलिए आपको चलता हूँ नोट्स में। ठीक है, तो नोट्स में आने के बाद मैंने अभी जो लिखा है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं मैं लिखा हूँ क्या, पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। यहाँ पर लिखा हूँ दे आर फेसबुक टीम माई फेसबुक स्टोरी नॉट इज अपलोडिंग एंड माई स्टेटस नॉट शोइंग प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम माई क्वेश्चन आई डी थैंक यू फेसबुक टीम। ठीक है, ठीक है,
आपको इतना लिख लेना है, लिखने में इसका कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं दिया हूँ। इसके बाद यहाँ से क्या करना है, कट कर देना है। इसके बाद अपने फेसबुक पर आ जाना, ठीक है, फेसबुक पर नहीं, आपको यहाँ से ब्राउज़र पर आ जाना, ठीक है। तो ब्राउज़र पर आने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से वो अभी जो कॉपी की इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। तो इसको पेस्ट कर दीजिएगा, पेस्ट करने के बाद आपको इस तरह से आपके सामने में इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से देख सकते हैं न्यू टैब, ठीक है, इसको क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद एक प्रोसेस हो चुका, दूसरा क्या करना है, सर्च को ऑप्शन को क्लिक करना है, यहाँ से लिखना है फेसबुक रिपोर्ट, देख सकते हैं मैंने सर्च किया था, इसको आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से सामने में इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पहले नंबर का जो देख रहे हैं यहाँ से रिपोर्ट लॉग इन फेसबुक, ठीक है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट हुआ, तो वो फेसबुक आईडी था, ये वेबसाइट था, ठीक है। तो फेसबुक लॉगिन होना चाहिए तभी आपको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ से जो अभी कॉपी की है इसमें पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अभी जो कॉपी की है उसको पेस्ट कर दीजिए और यहाँ जो स्क्रीन शॉट लिए यहाँ से एंटर लगा लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट जो अभी लिए हैं उसको यहाँ से लगा लीजिए, ठीक है। लगाने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, सबमिट भेजें, यहाँ से सबमिट होगा इंग्लिश में, तो आप यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है, भेज दीजिए। तो वहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ से बैक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे 24 घंटा आपको वेट करना है। चलिए, आपको अगर आपको स्टोरी लगाना है तो किस तरह से लगा सकते हैं फिलहाल के लिए, तो यहाँ से क्या करना है, फेसबुक से स्टोरी तो नहीं लग रहा है, तो स्टोरी आपको देखिए यहाँ पे कहीं लगा नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ क्या करना है, मैसेंजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। मैसेंजर आप लॉग इन होगा तो मैसेंजर को ओपन कर लेना है। यहाँ से ओपन करने के बाद इस वाले कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ से नीचे देख सकते हैं एल्बम का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसको आप क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें अपना फोटो वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको इसमें अपलोड करना है। सो मैंने एक स्टेटस को यहाँ से ले लिया हूँ। यहाँ से अगर कट करना चाहते तो 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ से कट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं शेयर का ऑप्शन, ठीक है, इसको क्लिक कर लेना। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक आपके सामने एक ऑप्शन और आ जाएगा, यहाँ से ऐड का ऑप्शन आ जाएगा। ऐड करने के बाद यहाँ से डन कर देना, ठीक है। डन करने के बाद देखिए यहाँ पर स्टेटस लगना शुरू हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को रोक लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैसेंजर पे मैंने स्टोरी लगाया था और स्टोरी लग चुका है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अब फेसबुक पे, ठीक है। तो स्टोरी यहाँ से मैसेंजर से लगा सकते हैं, ठीक है। तो COVID-19 को जैसे कुछ जो है ना यहाँ से प्रॉब्लम आ रहे हैं फेसबुक में, जो स्टोरी बहुत सारे को होता है जो स्टोरी नहीं लग पाते, ठीक है। तो मैं चलता हूँ फेसबुक पे, स्टोरी लगा कि नहीं लगा। तो देखिए आईडी तो वही है, ठीक है, सेम टू सेम देखिए यहाँ से। और अभी जो स्टोरी लगाया तो यहाँ देख सकते हैं स्टोरी मेरा लग गया, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ से व्यू अभी नहीं देखा कोई, जब देखेगा तो यहाँ से हो जाएगा, 2 मिनट पहले लग चुका है। इस तरह से आप स्टोरी लगा सकते हैं फिलहाल के, बहुत जल्दी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप सबको पसंद आ गया। पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल में घंटे उसे भी प्रेस कर लो, जल्द से लाभ तक लेटेस्ट वीडियो पहुँच सके। और फ्रेंड्स, आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारे वीडियो के कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं, मैं आप सबका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।